be here actually. Thank you so much. बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम शादी का माहौल बना रखा है यहाँ पे. एंड इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स माई फर्स्ट एंड फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल, सो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी. Absolutely no preparation. I just thought I'll go with the flow and let's see how it goes. I'm super excited for the whole evening. पिछली जिंदगी में तो है ऑलरेडी. बस हम यही कहेंगे कि दिल को तुमसे प्यार हुआ. आगे बहुत क्वेश्चन टर्न्स तो आएंगे, बट फॉर दैट यू विल हैव टू वॉच आवर शो दिल को तुमसे प्यार. नो, आई थिंक जो भी है, जिस तरह से हमारी जर्नी चल रही है, इट्स अ ब्यूटीफुल मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. लाइक आपको मदरली लव भी देखने को मिलता है, एक तरफा प्यार भी देखने मिलता है, एक पागल प्यार है और दूसरा प्यार एकदम सच्चा प्यार है. दोनों का पागल प्यार है. बट आई थिंक अभी शादी होने के बाद जब चारों घर में एक साथ होंगे तब हाँ, तब देयर विल बी लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर श्योर. वेरी एक्साइटेड. अभी तो हमारी जो थीम है उसमें हमने बारात में खूब 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 डांस किया है. आप जैसे हमें प्यार दे रहे हैं वो प्लीज देते रहिए, क्योंकि दिल को तुमसे प्यार है. थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है. और जैसा कि नाम है स्टार परिवार, तो हम हमेशा यहाँ पे परिवार की तरह फील करते हैं. एंड देयर हैज़ बीन मेनी इयर्स विद स्टार, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और एक्साइटेड है हम लोग परफॉर्म भी करने के लिए और देखने के लिए भी कि क्या होने वाला है. नॉमिनेशंस एक्चुअली अभी रिवील नहीं किए, लेकिन हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉमिनेशन है. कौन है वो अंदर देखिए. वो अंदर है, पर है. किस कैटेगरी में? मैं तो बेस्ट बहू में नॉमिनेट होना चाहूंगी. ये बेस्ट बहू तो मैं, बेस्ट दामाद, बेस्ट बेटा, बेस्ट गाय इन द शो. हम बेस्ट कपल में भी नॉमिनेट, ये भी हो सकता है. और फिर उसके बाद झगड़ालू कपल में भी बदल सकते हैं. बेस्ट झगड़ालू कपल और बेस्ट थप्पड़ खाओ बहू में. मैं इसे टाइटल देना चाहूंगा, बदलती बीवी. देखिए, जहाँ प्यार होता है वहीं झगड़ा होता है, और फिर जहाँ बहुत झगड़ा होता है वहीं पे प्यार होता है. और सुधार होगा मुझे लगता है, जल्दी ही हो जाएगा. और ये तो टेलीविजन है, चीज़ें बदलती रहती हैं, तो फिर बदल जाएंगी. टिल नाउ वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो अगर हो रही है तो मोस्ट वेलकम, वी वेलकम एवरीबॉडी. बट आई डोंट नो, अभी तक हमें ऑफिशियली हमें नहीं पता. बहुत मिस करते हैं यार. आई मीन व्हाई नॉट, इतने सालों का एसोसिएशन है इनका, तो और ज़्यादा है, पर मेरा जितने भी ऑलमोस्ट एक साल था. सो ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड वी मिस हिम. कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, हमारा सवाल ही नहीं पैदा होता. इट्स बीन मेनी इयर्स, लाखों में एक है हमारे. ना ना अनुपमा हिला है नंबर वन से, ना हिलेगा. मुझे यहाँ अनुपमा की तरफ से बुलाया गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू बी हियर. Because Star Plus number one show hai, Anupama is number one from Star Plus. And guys, go ahead with Janak. Hi, hi everyone. Hi. बहुत ही अच्छा है यार, आज पूरा परिवार एक साथ आया हुआ है, तो बड़ा अच्छा सा फील होगा अभी जाके. हमारे जितने भी परिवार वाले लोग हैं उनसे और मिलना होगा, और अच्छा लगेगा जी. अब आप लोग प्यार ही इतना कर रहे हैं आदित्य कपूर से, बार बार आप बुला लेते हैं, मैं बार बार चला आता हूँ. अब यार अभी हुए नहीं ना, तो फिर अभी इस बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता. मैं तो यार, अब आदित्य कपूर तो हीरो है, सुपरस्टार है, तो बस उसी कैटेगरी में कर दूँ. बहुत सारा प्यार मिला है गुरु जी को, एंड ये पहला मेरा स्टार परिवार अवार्ड्स है जो मैं एज अ एक्टर आ रहा हूँ, एज अ आर्टिस्ट आ रहा हूँ. इसके पहले आई हैव बीन हियर एज अ कोरियोग्राफर, बट मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है आज यहाँ पे आना और इन सबसे आके मिलना.
नॉमिनेशंस कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट इट्स लाइक अ फैमिली एंड अब अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या होता है. एवरीथिंग इज रिटन, जो लिखा होगा वो मंजूर होगा. यार फिलहाल तो बस मैं जनक ही कर रहा हूँ, जनक में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. उसके बाद में कभी कुछ आता है तो डेफिनेटली मैं आगे से जरूर बताऊँगा. Be a little loud, I can't hear. Thank you. Thank you so much. तो एक महीने से दिस ये एक्साइटमेंट चली जा रही है कि हम स्टार परिवार अवार्ड्स है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो आई थिंक ये एक्साइटमेंट एक महीने से ही है. एंड टुडे द डे हैज़ कम दैट वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड वी आर मोर एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टार परिवार. और मैं तो बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ स्टार परिवार आफ्टर एजेस. सो आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. लेट्स हैव फन. I'm actually we both are very happy to be a part of the season 4 of ye rishta kya kehlata hai, because new star cast hai, new log hai, new family hai, and I think we are having fun every day and I know very good response. Yeah, I don't know about that. That was long time ago dekha tha. No, I don't think so. So, लोग आते हैं जाते हैं. We miss everyone who comes. We miss everybody. But it all depends. One should go with the flow. One should go with the show. And just wishes all the best for the show. फिर से बोलिए. हमारे फेस पे दिख रही होगी एक्साइटमेंट, बिकॉज ये शायद नहीं भी दिख रही, थके हुए थक तो चुके हैं, लेकिन वो सब वर्थ था, बिकॉज व्हेन यू सी इट ऑन स्क्रीन आपको बहुत मजा आएगा. और ये टीवी का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन है 2024 का, और पूरा स्टार परिवार बहुत सारे प्यार के साथ आ रहा है टू सेलिब्रेट अ ग्रैंड वेडिंग. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग देखें और आपके रिव्यूज आए. एंड या दैट्स व्हाई वी ऑल आर डेक्ड अप टुडे. नहीं प्लीज, वी ओनली टॉक अबाउट आवर जोड़ी. हम सारी कैटेगरीज में होना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली माँ बाप तो नहीं है, मैं बहन और कुछ भी नहीं है. बट आई थिंक वी बिलीव इन रिवॉर्ड्स मोर देन अवार्ड्स. सो या हियर वी आर. फैशन मूवी का गाना है कुछ खास है कुछ पास है, और एनिमल मूवी का पहले भी मैं. सो वी हैव डन लाइक वेरी रोमांटिक नंबर, उसमें ट्विस्ट भी है क्योंकि हमने स्टंट्स भी किए हैं. मोर ओवर इन्होंने किए, नहीं नहीं दोनों ने किए, दोनों ने काफी मेहनत की है. और वो भी मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी ऑन स्क्रीन देखना है वो, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. आने वाले एपिसोड्स में थ्रू आउट आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स ही देखेंगे एक्चुअली, जो हमें भी नहीं पता होता था. इट्स अनप्रेडिक्टेबल फॉर अस टू, तो पता नहीं रहता हमें भी, बट इंटरेस्टिंग होने वाला है. ऑफकोर्स आते ही रहते हैं एंड वी रियली डू अप्रिशिएट इट, बिकॉज एटलीस्ट वी नो दैट कि आप देख रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप प्यार करते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि जो अगर कुछ कमियाँ हैं तो भी बताएं, और कुछ अच्छाइयाँ हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं. सो वी आर ऑलवेज वेरी 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 थैंकफुल टू यू ऑल. राइट, वी ऑलवेज वेलकम जेन्युइन क्रिटिसिज्म, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. अगर कोई कुछ बोलता है तो हम उसे मद्देनजर रखते हुए उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं जितना हमारे हाथ में हो सकता है, ऑब्वियसली बिकॉज स्टोरी लाइन writing is definitely not in our hands. Hum to sirf perform kar sakte, katputli hai. Thank you. Hello, haan ji. Pehle to aapki awaaz hi nahi aa rahi hai.
आप चेहरे देख सकते हैं हमारे कितने एक्साइटमेंट, वी आर वेरी एक्साइटेड. फर्स्ट टाइम हमारा स्टार परिवार में है एंड वी आर नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट जूरी ऑल्सो एंड फॉर अदर अवार्ड ऑल्सो. पत्नी पति बेटा सब में, सो वी आर वेरी एक्साइटेड. हाँ जी, तैयारी तो कुछ नहीं की, बस पूजा की है भगवान की. जस्ट किडिंग, तैयारी ऐसी कुछ नहीं की है. वी वर रिहर्सिंग फॉर आवर परफॉर्मेंस जो कि बहुत अच्छा हो गया. आई होप लोगों को भी पसंद आए. बस उसके अलावा तो एक्स है कुछ बहुत मज़ेदार, तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो. वी परफॉर्म ऑन टू सॉन्ग्स, सतरंगा एंड वे कमले. बहुत अच्छा लगता है, ये तो ब्लेसिंग है एंड आई थिंक बहुत रेयर रेयर मौकों पर ऐसी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउस चैनल एंड शो में काम करने की. सो ऑफ कोर्स वी वेरी फॉर्चुनेट. इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी ये रिश्ता जैसे शो को लीड करना और इतना लोगों का प्यार एंड द काइंड ऑफ फैंडम दैट वायर केकेएच हैज इज अनमैच्ड. यस यस, अनमैच्ड. हम आज सुबह भी शूट कर रहे थे बाय द वे, कंटिन्यू मतलब कल रात को भी शूट कर रहे थे, आज सुबह भी शूट कर रहे थे, देन प्रैक्टिस चल रही थी पिछला 15 दिन 10 दिन तो बहुत ही ऐसे गए, बट वी आर वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, ये सब तो करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. सो व्हाट मैटर्स इज काम अच्छा हो रहा है, काम अच्छा होता है, लोगों को पसंद आता है, सो वी वर्क फॉर देम. सोलो किस में नॉमिनेट? ओह, हम दोनों के बीच में आ गई. ये बीच में आ जा 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 कम 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 तू बीच तो में आ जा, तू ऑफिशियली बीच में. मैं सी किस्मत ब्रिंग्स मी हियर, किस्मत ब्लेम इट ऑन किस्मत. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है. अबीरा और अरमान तो परफॉर्म कर चुके हैं, मेरी परफॉर्मेंस अभी होगी तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. नर्वस हो हमने सेम कपड़े नहीं पहने यहाँ पे, दैट्स नाइस. वरना शादी में तो हम दोनों दुल्हन बनी जा रही थी. डैक्ड अप होने के अलावा कुछ और वो भी तो नहीं है ना, कुछ आपको क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन भी नहीं है कोई, तो वो हम ये वाले शो में तो हर दूसरे तीसरे दिन डैक्ड अप होते ही रहते हैं. आई थिंक हम सब अपने अपने पर्सनल स्टाइल. So and that's her personal style, by the way. She's just trying to tell them. They're just trying to get it out there that this is all our personal style. I don't like to wear nothing all that in real life, but yeah. अरे ये तो ये बात ये शो में तो ऑफ कोर्स अबीरा को ही चूज करेंगे और रियल में शीना है इनके और हमें तो पता ही है. तो ये तो सवाल ही नाजायज सवाल है, नाजायज सवाल है. वेरी बैड, डोंट मेक हिम डू दैट. स्टार परिवार, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारा ही परिवार है, हम इसी चैनल पे काम करते हैं, इसी के ज़रिए हम आपके घर तक आपके दिलों तक पहुँचते हैं. सो ऑल थैंक्स टू स्टार कि हम यहाँ हैं. हमारे परिवार का अवार्ड है, स्टार परिवार अवार्ड है, बड़ा अच्छा लगता है जब एक्नॉलेजमेंट होता है आपके काम का, उसको लोग सराहते हैं, पसंद करते हैं. एंड तो ये है कि एक इंजॉयमेंट का माहौल है और हम लोग बस इंजॉय करेंगे. और मेरे माइक लगा हुआ है क्योंकि मुझे अंदर जाके होस्टिंग करनी है, लेकिन आप सबको मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमने प्लान किया है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. जहाँ तक रही मेरे प्रोडक्शन हाउस राजन सर और डीकेपी की बात, राजन सर हमेशा बिलीव करते हैं कि हिंदुस्तानी जो रीति रिवाज हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, जो पर्व हैं, उनको पूरे धूमधाम से पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जाए. और वही शायद स्टार परिवार का भी एक मुहिम रहती है कि हर त्यौहार को उतनी ही शिद्दत से मनाया जाए. ये भी एक
अवार्ड शो से ज़्यादा मैं बोलूँगा एक परिवार का मिलना है। बाकी शोज़ के जितने इंसान, जितने एक्टर्स, जितने लोग हैं, वो सब आके मिलते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त लेफ्ट राइट घूम रहे हैं और अच्छा लगता है। इट्स रियली नाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द नॉमिनीज। मे द बेस्ट पीपल विन। जी मैं बोलूँगा कि डांस ज़रूर दिखेगा और अगर स्टार परिवार है और उसमें मान का रोमांटिक गाना ना हो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए ऑफ कोर्स है।